हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रिलायंस जियो की वैलिडिटी जो आगे 3 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं, और आगे जो है रिलायंस जियो का इस महीने के बाद क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले अपने फ़ोन में माई जियो ऐप को ओपन करेंगे। अगर माई जियो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रिचार्ज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है जियो दंदनादन इज लिमिटेड टू वन रिचार्ज ओनली, मतलब कि हम पहले रिचार्ज कर जियो दंदनादन का जो आनंद है वो उठा सकते हैं 3 महीने के लिए। उसके बाद जो प्लान होगा वो ये होगा कि जैसे आपने जियो समर प्राइज ऑफर या जियो दंदनादन ऑफर ले रखा है तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी सिर्फ आपको 28 दिन के लिए मिलेगी। लेकिन 28 दिन के लिए 1 GB डाटा पर डे का मिलेगा। लेकिन आपको अगर 3 महीने तक फ्री से जियो को चलाना है तो आपको एक नया सिम कार्ड खरीदना होगा और उस पर 303 रुपये का 303 रुपये का रिचार्ज करना होगा और आपको प्राइम मेंबर बनना होगा। उसके बाद आपको आपका उस सिम पर पहला रिचार्ज होगा तो आपको 3 महीने आगे फिर से सर्विस है जो फ्री मिलेगी, और आप इसमें 509 वाला प्लान भी ले सकते हैं, ये भी पहले ही रिचार्ज पर होगा, ठीक है। उसके बाद आप 1999 रुपये वाला प्लान भी ले सकते हैं, जो जैसा आपका बजट है वैसा आप प्लान ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो